गुड मॉर्निंग, आप सभी को होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं गाइस। तो आज है छोटी होली, और होली नहीं, होली दहन बोलते हैं ना। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोग बना रहे हो? गुजिया लाइक, और क्या क्या बन रहा है? मेरे घर में तो इस बार ना गुजिया बना है, ना ही चिप्स बना है। और मन तो बहुत था, लेकिन दो लोगों के बीच में क्या कुछ मैं बनाऊँ, इतनी सारी चीजें। गुजिया बनाने का मन था, देखती हूँ। मैंने इनको बोला है कि शाम को थोड़ी बहुत चीजें लेकर आना, और एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाऊंगी। और अभी हो रहा है मेरा मॉर्निंग, और अभी आई थिंक 11 बज रहा है, और अभी मैं बाल धोकर आई हूँ। अभी गीले हैं, ये देखो पानी भी टपक रहा है, तो बाल धोकर आ गई हूँ मैं। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। चाय वाय पी लो। तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई हैप्पी होप होली। हैप्पी होली, और अच्छे से सेलिब्रेट करना होली। रंगों का त्यौहार है, बहुत सारे रंग होते हैं, खुशियाँ होती है, तो आप लोग इंजॉय करिए गाइस। तो चलिए, मिलती हूँ मैं चाय नाश्ते करके अभी के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो मम्मी, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लंच में आखिर बन क्या रहा है? दलिया। दलिया? अच्छा जी, दलिया। फेस ये है शिमला मिर्च, ये है गाजर गाजर, वाह प्याज। और मटर और प्याज। ये सारी चीजों का तड़का लगा के मैं बनाने वाली हूँ दलिया, टेस्टी दलिया। सच में वाह। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? भाई मैं अपना फेस दिखाऊं क्या? मम्मी मेरा फेस क्यों इधर ला रही है? मम्मी तो मेरा फेस क्यों पास में ला रहे हो उसके? फेस तो आज तुमको क्या है, आज कौन सी होली है? छोटी छुट्टी होली है। तो आज कल चिकन बनेगा, चिकन के पकोड़े बनेंगे। चिकन के पकोड़े, हाँ, वाह। ओ ब्रेड पकोड़ा बनेगा कल। गुलाब जामुन भी तो बनेगा ना घर में? कल बहुत सारी यम्मी यम्मी चीजें बनेगी। और आज बनेगा मठरी। अभी हमें लिख के लेकर आना है अंकल की दुकान से सामान, मैदा पीसी चीनी सब लेकर आना है। हम बनाएंगे मठरी। मठरी नहीं, आज हम रसगुल्ले बनाएंगे घर में। सब चीज बनाएंगे, रसगुल्ले भी बनाएंगे। मम्मी, रसगुल्ले बनाने के लिए हमको यूट्यूब में देखना पड़ेगा कि हमको क्या-क्या सामान लाना है रसगुल्ले के लिए। मुझे आता है बेटा, मुझे आता है। अरे मम्मी, फिर भी को अपनी फ्रेंड्स लोग भी तो देखेंगे ना, कि फ्रेंड्स लोग कहेंगे कि वाह यार। हाँ, मैं फ्रेंड्स लोग को दिखा दूंगी। पर मम्मी, तुम कैमरा स्टैंड को रखोगे? पर मम्मी, तुम वीडियो को इस फोन को रखोगे कहाँ? कैमरा स्टैंड में हाँ चलो, मम्मी को देखता हूँ। मम्मी, क्या बेटा, कर रहे हो तुम? बर्तन धो रही बेटा। और मम्मी, मुझे क्या क्या सामान लेके आना है बता? मुझे क्या क्या सामान लेके आना है बता? मैदा लेके आना है, बेसन लेके आना है पकौड़ी बनाने के लिए। ओ मम्मी, हाँ, आधा सामान मैं, आधा सामान तुम, ठीक है? हाँ, आधा सामान मैं डालूंगा, आधा सामान तुम डालना, ठीक है? ठीक है। कहाँ पे डालना है, कहाँ पे? अरे किसी में डालना है मम्मी, बनाने के लिए अच्छा, डालना है। हाँ, वो तो मुझे याद है बेटा, आपको ही डालना है। वैसे मम्मी,
क्या तुम्हारे साथ बना पाऊंगा मैं तुम्हारे साथ? हाँ बोलो। मम्मी मुझे पकौड़ी बहुत पसंद लगता है। पकौड़ी खाना है? हाँ। बेसन का पकौड़ी बनाऊं? कीला बनाऊं छोटा? हाँ। बेसन का कीला बनाऊं? मम्मी। हाँ बेटा। वो रसगुल्ले का सामान भी लाना है। हाँ मैदे से ही रसगुल्ला बनता है बेटा। हाँ मैदे से ही रसगुल्ला बनता है। और किस किस से बनता है? जामुन मैदे से ही बनता है। अरे मम्मी पहले यूट्यूब में देख भी लेना। ठीक है देख लूंगी। दिख जाएगा तुमको बहुत सारी चीजें। रसगुल्ला एक चीज से नहीं बनता है, बहुत सारी चीजों से बनता है। किससे? हाँ किससे तुम ही बता दो। अरे मम्मी यूट्यूब में देखो ये ना तब पता चल। मम्मी तुमको पता चल जाए। मुझे भी पता है। हाँ बोलो। तुम यूट्यूब में देखोगे ना? वो यूट्यूब में देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि कैसे बनाते हैं वो रसगुल्ला। ठीक है देख लूंगी। पर मम्मी बिना चाशनी के रसगुल्ला बनाओगे ना तो ना टपके का ही नहीं वो रस। बिना चाशनी का कौन सा रसगुल्ला बनता है? अरे अच्छा बनता है, मैंने भी देखा है। मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। अरे मम्मी मैंने देखा है, तुम देखोगे तब। बिना चाशनी का कोई रसगुल्ला नहीं बनता बेटा। अरे हाँ मम्मी तुमको देख के ही पता चल जाएगा। तुमको देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है देख लेंगे। सो गाइस मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और मैं जा रही हूँ अंडे उबालने, वो भी शाम के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी गरम कर दिया है और इसमें इंक्लूड कर देंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है, अंडा फटता नहीं है, तो काफ़ी क्वांटिटी में नमक डाल सकते हैं, एक अंडा इसमें। सो हाय गाइस गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलो मैं 2 मिनट रेस्ट करती हूँ क्योंकि सुबह से काम करते करते बिल्कुल भी खट्टे नहीं हैं, काफ़ी मीठे अंगूर हैं। दलिया बनाने का प्लान था, आइडिया स्किप हो गया क्योंकि निशु को फाइनली पकोड़े खाने हैं। तो मैं जा रही हूँ पकोड़े बनाने। प्याज वगैरह तो रखा ही है काट के, बेसन मिला के पकोड़े बना देती हूँ। और अब अंडे उबाल रही हूँ शाम के लिए क्योंकि शाम को 3-4 आइटम भी बनाने हैं आई थिंक। सो कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो चलो गाइस काम बहुत है आज। मेरे बाल धुलने के बाद ना बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस मैंने आज मनी प्लांट का पानी चेंज कर दिया है और निशु खा रहा है जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे रख देंगे। हर 2 दिन के बाद मैं पानी चेंज कर देती हूँ। निशु खा रहा है कैलॉक्स। यहाँ पे बेड पे रख दूंगी। गाइस ये मैं हूँ और ये मेरा फोन है और यहाँ ब्लॉगिंग हो रही है। हाय बाहर धूप कितनी तेज निकली है। देखो मेरा प्लांट ना फिर से ग्रो कर रहा है। बाहर कबूतरों ने नरक मचा दिया है, ये भी मेरा प्लांट ना सब ग्रो कर रहा है। सब देखिए फ्लावर आ रहे हैं ना अच्छे से। वहाँ रखा था तो खराब कर दिया था सब कबूतरों ने। बहुत धूप है बाहर।
बेटा खाओ, क्या कर रहे हो, खाओ। तो निशु केलॉग्स खा रहा है। और किसी ने मुझसे इस चादर का लिंक पूछा था, तो मुझे बाद में याद आया कि ये मीशो से नहीं है, ये विशाल मेगा मार्ट से मैंने लिया था। मैंने लिंक इसका बहुत ढूंढा, नहीं मिला, ये विशाल मेगा मार्ट से मिल लिया था मैंने। और मेरा मनी प्लांट जल्दी ना ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया बताया, जिसकी वजह से मेरा मनी प्लांट फिर से ग्रो करने लग गया है। तो इस तरीके से मैंने बेड को फ़िलहाल डेकोर किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइट जलने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आपको ना लाइट जला के दिखाती हूँ। तो ये मेरी लाइट जल गई, जो कि इस तरीके से जलती है। मैं इसको थोड़ा सा सही करती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ डेकोर किया हुआ है, मुझे तो अच्छा लगता है। और बेड आने से बेडरूम की ना रौनक बदल गई हुई है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कालीन बिछा दिया है, घर साफ़ सुथरा हो गया है, झाड़ू पोछा सब लग गया है। और अंडे उबल रहे हैं, चलिए देखते हैं अंडे का क्या हाल चाल है। बर्तन सारे धुल गए हैं मेरे, तो यहाँ हम देखते हैं अंडा भी उबल गया है। प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो मैं पीऊँगी यहाँ पे एक गिलास रसना। बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है गर्मियों में। तो सो गए, मैं पी रही हूँ रसना। अरे मम्मी मेरे लिए छोड़ो। छोड़ दूंगी, थोड़ा सा नहीं, मेरे लिए ज्यादा चाहिए मुझे। बस 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 बस, हाँ बस रख दो। पीने नहीं दे रहा, पहले केलॉग्स फिनिश करो। जैसा सब्जी का टेस्ट चाहिए ना, तो मसाला जो है ना मैं हमेशा ग्लास में तैयार करती हूँ, क्योंकि ये जो आइडिया है ना ये मुझे मम्मी ने बताया था। और इससे क्या होता है ना, सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इसमें जीरा है, लहसुन है, हरी मिर्च है और प्याज है। कौन सा सामान बोला मैंने? थोड़ा सा पानी डाल के इसमें सारे मसाले ग्लास में ही इंक्लूड कर देना है। देखना, इससे मसाला बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग ना एक बार ट्राई करना, ग्लास में लहसुन प्याज और हरी मिर्ची कूट के देखना। अब इसी में मिला दूंगी मैं नमक, इससे बहुत टेस्टी मसाला बनता है, सच्ची बता रही हूँ। ये मैंने ना मम्मी से सीखा हुआ है। और खाने का टेस्ट ना बिल्कुल, जो सिलबट्टे पे मसाला बनता है ना, बिल्कुल वैसा मसाला लगेगा। अगर आपके घर में सिलबट्टा नहीं है, जैसे जो लोग शहर में रहते हैं उनके पास सिलबट्टा नहीं होता ना, तो इस तरीके से मसाला तैयार करना चाहिए, बहुत टेस्टी मसाला बनता है। जूस पियो। नहीं, तुम पियो। उसके बाद क्या करना है, आपको एक खड़ा टमाटर लेना है, मसालों के बीच में रख देना है। इससे टमाटर का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। मेरा दोनों पैन स्टैंड बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, ये है फर्स्ट वाला और ये है सेकेंड वाला। ये देखिए, बस नीचे कुछ बेस लगाना है। तो कैसा लगा? और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया, एकदम पत्थर होता है ना, बिल्कुल वैसा हो गया है। और इस तरीके से मैंने कलर कंट्रास्ट दिया है। ये देखिए, ये मैंने मिरर वाला बनाया है। ये देखिए, है ना, इसका फर्स्ट जो प्रोसेसर है ना, वो मैंने आपको कल के वीडियो में दिखा दिया था कि मैंने इसको कैसे बनाया है। सेकेंड मैंने इसको बस कलर कर दिया है और मिरर को हाइड कर दिया है इस तरीके से। और हाइड करने के बाद आउटलाइनर दे दिया है, 3D आउटलाइनर है, इसको भी मैंने इसी तरीके से बनाया है। और हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं। निशु अपना फ़ोन ला के दिखाओ, फ़ोन ला के दिखाओ। मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि वो पेन के साथ साथ ना इसमें फ़ोन भी रख के कोई चीज़ देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आइडिया है। ये देखिए, मैं आपको अभी फ़ोन रख के भी दिखाऊंगी। दोनों में ही मैंने सेम ऑप्शन बनाया है। दो ऐसे मत दौड़ा करो बेटा। तो मैं अभी आपको फ़ोन रख के दिखाती हूँ बैक कैमरा से। पेन स्टैंड की यही खास बात है कि आप इसमें इजीली फ़ोन रख के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरीके से ना आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपको फ़ोन स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बहुत अच्छे से स्टैंड हो गया है और हस्बैंड जो है ना इजी फ़ोन भी रख के देख सकते हैं, और कुछ भी चलाना होगा तो वो इजी चला सकते हैं। और सेकेंड वाले में भी इसी तरीके से है। ये देखिए, दोनों इस तरीके से बना हुआ है ना कि इसमें इजी फ़ोन रख के
कोई भी देख सकता है, ये देखिए है ना, बेस्ट ऑप्शन। कैसा लगा आप लोगों को ये पेन स्टैंड मुझे ज़रूर बताना गाइस। लो बेटा फ़ोन, तो इसको मैंने पेन होल्डर प्लस फ़ोन होल्डर भी बना दिया है, मतलब इसमें फ़ोन भी रख के इजी वो चला सकते हैं। और ये देखिए स्पार्कल लग रहा है ना, इसमें मैंने डस्ट दिया है सिल्वर का कॉम्बिनेशन। हाँ जरा देना, तो ये दो मैंने बना दिया है। चलिए अब खाना को देखते हैं। सो गाइस, जो मैंने इसमें खड़े टमाटर डाले थे ना, तो देख सकते हैं पूरा मसाले में टमाटर अपने आप घुल गया है। और इजी टमाटर जिस तरीके से आप कटिंग करके डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टमाटर घुल जाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से अगर आप सब्जी का मसाला तैयार करते हैं ना, तो आप टेस्ट करके देखना, कोई भी सब्जी हो, ज़रूरी नहीं कि वो अंडे की सब्जी हो, सब्जी बिल्कुल गाँव जैसा टेस्ट आएगा। सो गाइस, मसाला मेरा पक गया है, अंडा भी मैंने मिक्स कर दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी और इसको पकने के लिए रख देंगे। जो है सब्जी हमारी बन गई है, और मसाले वाली चावल यानी कि जीरा राइस मैंने पहले ही बना लिया, क्योंकि मुझे अंडा करी के साथ ना जीरा राइस बहुत पसंद है। और सच्ची बताऊं गाइस, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड यम बना था, बिल्कुल गाँव जैसा टेस्ट आ रहा था। ज़रूरी सामान के लिए, क्योंकि मेरा चाकू टूट गया है और छिलनी भी मेरी पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, और कल जो है होली है तो कुछ मिलेगा नहीं, तो मुझे जाके लेके आना पड़ेगा। तो हस्बैंड को ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी। और आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ऐसे सिंपल सा जा रही हूँ। ये वाला मैंने प्लाजो डाला है और सेम कलर की मैंने टॉप डाली हुई है। तो अभी शाम के हो रहे हैं 4 o'clock, लेकिन मैं चाय पी के जाऊँगी, बिना चाय के मैं नहीं जाऊँगी। तो चलिए गाइस, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइस, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाएं। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।